आदिवासी कौन है? हमारे देश भारत में करीब 8.6% आबादी आदिवासियों की है। आदिवासी लोग भारत के प्रारंभिक निवासी रहे हैं। इन्होंने भारत के मूलभूत ढांचे के विकास में अहम भूमिका निभाई है। आइए जानते हैं आज भारत के आदिवासियों के बारे में। हम जानेंगे भारत के आदिवासी कौन है, भारत के किस क्षेत्र में आदिवासी बसे हैं, क्या है आदिवासियों का इतिहास, आदिवासियों की परंपराएं, आदिवासियों के उल्लेखनीय व्यक्ति, आदिवासियों की समस्याएं व मांगे एवं आदिवासी धर्म आदि के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। आदिवासी कौन है? आदिवासी का अर्थ किसी विशेष भूभाग में अनादिकाल से निवास करने वाले लोग जिनकी अपनी भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज आदि है, ऐसे लोगों को आदिवासी कहते हैं। आदिवासियों का निवास स्थान। भारत में आदिवासियों का प्रतिशत 8.6% है। आदिवासियों का 80% हिस्सा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा व गुजरात में निवास करता है। भारत में सबसे अधिक आदिवासी मध्य प्रदेश में रहते हैं। प्रतिशत के हिसाब से पूर्वी राज्य मिजोरम के 95% आबादी आदिवासियों की है। प्रतिशत के हिसाब से पूर्वी भारत में सर्वाधिक आदिवासी रहते हैं। भारत के मध्य क्षेत्र में गोंड, भील, कोरकू, बेगा, अबूझमाड़ा, धनुहार, दुलिया, कौरव, बिरहर, हलबा आदि जातियाँ पाई जाती हैं। ये आदिवासी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पूर्वी आंध्र प्रदेश में बसे हैं। पूर्वी क्षेत्र में मुंडा, संथाल, हो, जुआंग, खोड़, भूमिज, खरिया, बिरहोर, उराव व कोड़ा आदि प्रमुख आदिवासी जातियाँ उड़ीसा, झारखंड व पश्चिम बंगाल में बसते हैं। पश्चिम भारत में भील समूह बसा है व मीणा भी है। दक्षिण भारत में कोटा, बगादा, टोड़ा, कुरुम्बा, चेचू, पुलियान, नायक, चेट्टी जनजातियां बसी हैं। डीपी क्षेत्र के अंतर्गत जाखा, आंगे, सेंटिनल्स व सेम्पियन आदि जातियां बसी हैं। आदिवासी साक्षरता। भारत के आज़ाद होने के बाद 1951 में भारत की साक्षरता 18.31% थी, जबकि 1870 में भारत की साक्षरता 3.2% थी। 1931 की जनगणना के मुताबिक 29% ब्राह्मण शिक्षित थे। 1961 में देश की साक्षरता दर 28.3% थी और आदिवासियों की करीब 8.53% थी। 1971 में आदिवासियों की साक्षरता 29.45%, 1981 में 36.23%, 1991 में 52.21%, 2001 में 47%, 2011 में 59% आदिवासी साक्षर थे। वहीं 2021-22 के दौरान 72% आदिवासी साक्षर थे। आदिवासियों में साक्षरता बढ़ाने के लिए सरकार कई कार्यक्रम संचालित करती है। इनमें जनजाति विभाग द्वारा स्थापित 1997 के दौरान के EWS यानी एकलव्य विद्यालय महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पूरे देश में 401 एकलव्य विद्यालय हैं, जहां 50% या 20,000 से अधिक आबादी है, ऐसे क्षेत्रों में एकलव्य विद्यालय खोले जाते हैं। आदिवासी भाषा। भारत में लगभग 600 से भी अधिक जातियां हैं और लगभग सभी की अपनी भाषा है। आदिवासी भाषाएं मुख्यतः द्रविड़, ऑस्ट्रो एशियाई और चीनी तिब्बती परिवार की हैं। आदिवासी भाषाओं में सबसे अधिक संथाली 74 लाख लोगों द्वारा बोली जाती है, फिर भीली करीब 32 लाख और गोंडी करीब 30 लाख बोलते हैं। भारतीय संविधान में भारत की 144 भाषाओं में से 22 को ही संविधान की 8वीं सूची में शामिल किया गया है। इसमें संथाली और बोडो दो आदिवासी भाषाएं शामिल हैं। आदिवासी इतिहास।
भारत के आदिवासियों को भारत का सबसे प्राचीन निवासी माना जाता है। कहते हैं कि इन्हीं जंगलों में आज के आदिवासी आदि मानवों की तरह जीवन जीते हुए आज का होमो सेपियन बना। ये लोग धीरे धीरे समूह बनाकर रहने लगे, जिससे इनमें परिवार की भावना पनपी। यह लोग शिकार कर अपना जीवन यापन करने लगे। धीरे धीरे इनमें गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था पनपी, यानी जनता द्वारा किसी योग्य व्यक्ति को अपना सरदार बनाया जाता। सरदार के बिना समूह का कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। सरदार का नियंत्रण पूरे कबीले पर रहता था। समय के साथ साथ आदिवासियों ने गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था अपनाई। जनता के द्वारा ही राजा चुने जाने लगे। सिंधु घाटी सभ्यता का समय 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक का माना गया है। वहीं गुजरात के द्वारका में 1400 ईसा पूर्व के दौरान भील राजा के शासन का पता चलता है। यानी जब सिंधु घाटी सभ्यता थी, तब भीलों का शासन व बसेरा द्वारका में था। महान शिव भक्त कनप्पा का समय 3100 ईसा पूर्व का माना गया। भील कुमार कनप्पा भगवान शिव के बेहद बड़े भक्त थे। उन्होंने भगवान शिव की आंखों में खून आता देख अपनी आंखें उन्हें अर्पित कर दी थी। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर वापस कनप्पा को आंखें लौटा दी। वह उन्हें मोक्ष की प्राप्ति भी हुई। इस प्रकार हम भारत के आदिवासियों का इतिहास जान सकते हैं। 800 ईसा पूर्व में धनजी भील का जिक्र हुआ। वे मालवा के राजा थे। मगध में राजा खादीसार भील हुए, उज्जैन में राजा गर्द भील व उनके बेटे सम्राट विक्रमादित्य, इन सभी के सहित कुल 7 राजा हुए। मुंडा राजाओं में मदरा मुंडा राजा हुए। वहीं मोरा भील के पुत्र चंद्रगुप्त मौर्य के समय मालवा में राजा गरिमध्वज भील का शासन था। उन्होंने मिलकर नंदवंश के खिलाफ युद्ध लड़ा था। मुंडा राजाओं मदरा मुंडा, इसी प्रकार कोल किरात भील पुलिन शबर चेरो राजा चेरवंश पांड्या वंश राजा वेंकटप्पा आदि अनेकों राजा हुए। इन आदिवासी राजाओं ने भारत की नींव बनाई। भारत की संस्कृति में आज भी इन आदिवासियों की हर प्रकार की परंपरा घुल मिल गई है। जब भारत में आर्यों का आगमन हुआ, तब आदिवासियों ने उनका कड़ा विरोध किया। संभवतः जिन्हें राक्षस कहा गया, वे यहाँ के मूल निवासी ही थे। जब भारत पर अफगान तुर्क मुगलों के हमले हुए, तब भी आदिवासी डटे रहे। और जब अंग्रेजों ने हमले किए, तब भी आदिवासियों ने अंग्रेजों का डटकर सामना किया। आदिवासी धर्म। आदिवासी प्रकृति को ही भगवान मानते हैं। वे प्रकृति के नियम मानते हैं। जंगल से वे उतना ही लेते हैं जितना उन्हें जरूरत है। आदिवासियों के हजारों साल पुरानी परंपराएं पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रही है। लगभग सभी आदिवासी भगवान शिव को पूजते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव आदिवासियों व द्रविड़ जातियों के प्रतिनिधि हैं। आदिवासी जल जंगल जमीन को पूजते हैं। उनके लिए प्रकृति ही सब कुछ है, प्रकृति ही ईश्वर है। अंग्रेजों ने भी आदिवासियों का धर्म आदिवासी ही लिखा है। आदिवासियों के प्रमुख व्यक्ति। आदिवासियों के प्राचीन व्यक्तियों में एकलव्य का नाम सर्वोपरि है। राजा वीरण भील, राजा येलंबर, बाद के नामों में क्रांतिकारी बिरसा मुंडा टंटिया भील, खज्जा नाइक, भीमा नाइक, फूलो जानो, सिद्धो कानो, चांद भैरव, नीलांबर पीताम्बर, दशरथ भील, कालीबाई, कुंवर नारायण सिंह, जयपाल सिंह जी मुंडा, नाइकिया व गुंडाधुर जैसे नाम अंग्रेजों के विरोध के दौरान आए। झारखंड में आदिवासी सरकार बनने के बाद बिरसा मुंडा जी का प्रचार प्रसार बेहद हुआ। जगह जगह कार्यक्रमों में बिरसा मुंडा जी भगवान बिरसा मुंडा जी बन गए। आज़ादी की चिंगारी लगाने वाले तिलका मांझी जैसे आदिवासी योद्धा आज भी हमारे दिलों में जीवित हैं। आदिवासियों की मांग। आदिवासी अपने जल जंगल जमीन को बचाने की मांग लगातार करते आए हैं। बक्सवाहा जंगल, हंसदे जंगल, अरावली पर्वतमाला को लगातार नुकसान पहुंचाया जा रहा है। आदिवासियों की विशेष मांग है कि जल जंगल जमीन यानी प्रकृति को बचाना बेहद जरूरी है। केवल हम किताबों में ही पढ़ते हैं जल है तो कल है। सरकार भी इन सुविचारों को पढ़ाती है, नेता भी भाषण देते हैं, पर इन शब्दों को कोई समझता नहीं है। आदिवासी लोग प्रकृति प्रेमी हैं। आदिवासियों की एक मांग अलग राज्य बनाने की है, जैसे बोडोलैंड, भील प्रदेश, गोंडवाना, गारोलैंड, कुकीलैंड,
व बरुलर, जिससे राज्य ताकि आदिवासी अपनी सरकार संभाल सकें, अपनी सत्ता संभाल सकें। आदिवासियों की एक मांग पांचवी व छठी अनुसूची लागू करने की है ताकि आदिवासी हित हो सके। आदिवासियों की समस्याएं। आदिवासियों में सबसे बड़ी समस्या शिक्षा की कमी है। आदिवासियों में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, कई बार आदिवासियों को नक्सली करार दिया जाता है। आदिवासियों की धरोहर खतरे में है। उम्मीद है दोस्तों आदिवासी संबंधित ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।